हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने चैनल राउंड टू एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक और मोरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसका टाइटल है द फार्मर एंड द क्रेन, किसान और सारस। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान एक बार एक किसान था। हु वॉज वेरी वैरिड, वैरिड मतलब चिंतित, अबाउट दिस क्रॉप गेटिंग ईटन बाय द बर्ड। वह बहुत चिंतित था जो अपनी फसल को, क्रॉप मतलब फसल को, पक्षियों द्वारा खाए जाने से। So he laid a trap for the bird. Trap मतलब जाल बिछाना। इसलिए उसने पक्षियों के लिए जाल बिछाया। Next day he managed to catch a flock of the bird. Flock मतलब पक्षियों का झुंड। नेक्स्ट डे ही मैनेज टू कैच ए फ्लॉक ऑफ द बर्ड। अगले दिन वह पक्षियों के झुंड को पकड़ने में कामयाब रहा। एक क्रेन आल्फो गॉट ट्रैप द नेट। नेट मतलब जाल, ट्रैप मतलब जो जाल बिछाया गया था। सारस भी जाल में फंस गई। द क्रेन pleaded with the farmer for his freedom. Freedom मतलब स्वतंत्र होने के लिए, pleaded मतलब प्रार्थना करना या गुहार लगाना। सारस ने किसान से उसकी आज़ादी की गुहार लगाई। The farmer retorted, "You have been found in the company of these bird who were eating my seeds, so I will not spare you." Spare मतलब छोड़ना, company मतलब संगत में, retorted मतलब प्रत्युत्तर में किसान ने उत्तर दिया या किसान ने कहा, तुम इन पक्षियों की संगत में पाए गए हो जो मेरे फसल को खा रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, बैड कंपनी इज हार्मफुल। बुरी संगत का असर बुरा ही होता है। सब्सक्राइब टू माई चैनल राउंड टू एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।